नमस्कार, मैं पल्लवी पाठक, rejoicedigital.com के फाउंडर और एक वेबसाइट डिज़ाइनर और कंटेंट राइटर। आज मैं जिस जगह पर आई हूँ, इस जगह को कहते हैं पाटनगढ़। पाटनगढ़ डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। गांव छोटा ज़रूर है, लेकिन यहाँ के कलाकार बहुत बड़े हैं। हम आज यहाँ के कलाकारों की कला को प्रोत्साहित करने और उनको अलग अलग देशों, अलग अलग लोगों तक पहुँचाने का एक छोटे से प्रयास के अंतर्गत यहाँ आए हैं। ये है गोंड कला कृति सहकारी समिति। इस सहकारी समिति के अंदर यहाँ के सभी, इस गांव के सभी कलाकार एक साथ आते हैं और अपनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाते हैं या बैम्बू वर्क करते हैं, आर्ट वर्क करते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ अंदर सभी कलाकार किस तरह से काम करते हैं और इनकी सुंदर सुंदर चित्रकारियाँ। गोंड कलाकृति सहकारी समिति साल 2018-19 से इन कलाकारों के लिए, इनके समर्थन में, इनको हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ कला काम कंटिन्यू करती आ रही है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं। महिलाएं कहना गलत होगा, मतलब सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, और भी यहाँ पर हर कलाकार एक बहुत सुंदर कलाकृति बनाता है, आप देख सकते हैं। और गोंड पेंटिंग की खासियत यह है कि हर पेंटिंग के पीछे एक कहानी छुपी होती है। ऐसा नहीं है कि जो भी मन में आया बस उसे कागज़ पे उकेर दिया। हर पेंटिंग के पीछे एक कहानी है, वो कहानी इनके जीवन को दर्शाती है। इस ट्राइबल को, इन आदिवासी क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, जीव जंतु या व्यक्ति, उनकी, उनके पीछे, उनकी रहने के पीछे, उनके रहन सहन के पीछे छुपी हर कहानी को दर्शाती है ये गोंड पेंटिंग्स। कहाँ से किया आपने बीए? जी, डिंडोरी कॉलेज है रानी दुर्गावती, उसकी शाखा है गाड़ासरी में, वहीं से किया है क्योंकि वहाँ पास पड़ती थी जी जी जाने के लिए, इसलिए मैंने गाड़ासरी में कॉलेज की बीए। अच्छा, कंप्लीट। ये पेंटिंग्स कब से कर रहे हो आप? जी, मैं छोटी थी तो अपनी मम्मी से सीखी थी पेंटिंग करना, तब से कर रही हूँ पेंटिंग। अच्छा, तो इसके लिए कोई आपने मतलब अलग से कहीं से शिक्षा ली या आपने अपनी मम्मी को देख देख के ही सीखा है? नहीं, मैं तो बस अपनी मम्मी को देख के सीखी। देख के सीखा है। अच्छा, और कितना समय मिल पाता है आपको, मतलब आपका बच्चा भी छोटा है तो पेंटिंग आप कितने समय में कर पाते हो एक पेंटिंग? ये पेंटिंग तो घर के काम निपटा कर जो है तो फिर काम में लग जाती है, पेंटिंग का तो कर लेते हैं टाइम। मज़ा आता है आपको? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है शुरू से। कई आपको कौन बताता है कि ये सोच जो आपकी पेंटिंग के पीछे की कहानियाँ हैं ये कौन बताता है? ये आपकी खुद की बनाई हुई है, आपकी खुद की सोच है, या कोई आपको सलाह देता है कि इसको इस तरीके से पेंटिंग करो या ऐसा करो? नहीं, ये खुद की सोच में करते हैं, अपनी पेंटिंग जो होती है वो खुद की सोच में करते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। मुझे लगता है वो भी आपसे पूछना चाहता है कि आप क्या बता रही हैं। आप ही सीखोगे मम्मी के साथ पेंटिंग? ज़रूर करोगे ना, तब तक मम्मी भी बड़ी कलाकार बन जाएंगी, आप भी बनिएगा। चलिए, ये हैं दीपिका जी। ओके, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा और आपके बारे में जानकर तो और भी अच्छा लगा। आपकी शादी यहीं हुई है? आप अपना नाम एक बार फिर बताएंगे? ज्योति भाई भी के। ज्योति जी, आपने अपना नाम यहाँ पेंटिंग में अभी क्यों नहीं लिखा? ये लिखा है। अच्छा, जगह नहीं था। जी जी जी, ज्योति जी, ये जो आपने पेंटिंग बनाई है तो ये आप कब से कर रहे हैं? आपने अभी सीखना शुरू किया या बचपन से आप भी करते हैं? बचपन में तो नहीं किए थे मैम, जब से हमारी शादी हुई तो हमारे हस्बैंड करते थे जी जी, उन्हीं के साथ में किए हैं। अच्छा अच्छा जी। ओके, तो आप मतलब यहाँ की नहीं हैं, पाटनगढ़ की? पाटन की नहीं हूँ मैं, रायपुर से हूँ। रायपुर से हैं जी। तो आपको कैसा लगा जब आप रायपुर में थे तो वहाँ पे भी आपके गांव में ऐसा कुछ होता था? हाँ, वहाँ भी तो बनाते हैं मैम, पेंटिंग करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते थे जी। जब हमारी शादी हो गई तो हमारे हस्बैंड करते थे तब जी, करने। तो उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया पेंटिंग नहीं, करने नहीं, के लिए? नहीं किए हैं, लेकिन वो करते थे तो हमें शौक लगता था। हाँ, हाँ। तो हम अपने शौक से करते थे, अब आदत बन गई है। अच्छा, तो ये आपने कहीं से कोई शिक्षा नहीं ली, कुछ नहीं लिया, ये करते करते? पति से किए हैं। हाँ, अब तो हमारे बेटा भी कर रहे हैं पेंटिंग। अच्छा अच्छा, आपके बेटे भी कर रहे हैं? आपके बेटे कौन है? वो आकाश। अच्छा अच्छा, आकाश जी, ये बहुत बढ़िया है। तो ये आपकी अपनी सोच है, आपने खुद ही सोचा ये? हाँ, आपने अपने सोच से बनाया? आपने भी खुद ही मतलब ये क्या? कोई भी पेंटिंग करते हैं तो सोच से ही करते हैं मैम, और उसकी कहानी रहती है, उसके पीछे कहानी रहती है। हाँ, कहानी तो मैंने हर इसमें देखी है आपकी जी। तो ये सोच कैसे डेवलप होती है, मतलब क्या आपके विचार आते हैं? कहीं आप कुछ पढ़ रहे होते हैं उससे आते हैं, या कहीं कुछ देखा होता है उससे आते हैं? ये तो ऐसे आया है,
कभी हमारे घर के छत चूजते हैं, हमारे मिट्टी के घर है, लेकिन तो वही नहीं है तो चूजते हैं, तो हम लोग रात में परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को कहाँ सुलाएं, हम कहाँ सोएं, पानी आ रहे हैं, बारिश हो रहा है, ये सोचते हैं। उसी सोच के आधार से ये पेंटिंग बनाए थे हम। मतलब आप एक तरीके से ये हर पेंटिंग आपके जीवन का प्रतिबिंब जी है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इसी तरह यहाँ पर बनी हुई हर पेंटिंग की हर तस्वीर एक कहानी कहती है। जैसे आपकी फ़ोटोज़ एक कहानी कहती हैं, उसी तरह यहाँ बनी हर एक पेंटिंग एक कहानी कहती है। चंद्रकली जी, ये बताइए आपकी ये आपने पेंटिंग कब शुरू की थी? दीदी, ये पेंटिंग मैं 2010 से शुरू करी हूँ। आपने कहीं से सीखा या आपने देख देख के सब सीख लिया और समझ लिया? नहीं, पहले तो हम खेती बाड़ी करते थे घर पे, पेंटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरे हस्बैंड भोपाल रहता था, वो करता था पेंटिंग के काम। अच्छा। तो जब उनके डेथ होने के बाद मेरे को भी लगा कि मैं भी पेंटिंग सीखूं करूं, तब उस समय उसकी एल्बम को देख के सीखी थी पेंटिंग। चंद्रकली जी, ये आपकी बनाई हुई पेंटिंग है, ये क्या बोलती है? इसमें मोर बने हैं, पक्षी बने हैं, क्या कह रहे हैं? ये बूढ़ा चिड़िया है जी, बहुत पुराने की चिड़िया है जी। तो क्या नाम है इस चिड़िया का? बूढ़ा चिड़िया। बूढ़ा चिड़िया, अच्छा। तो ये कहीं नहीं आ जा सकता था, लेकिन चुपचाप, मतलब बूढ़ा हो जाने के कारण कहीं भी उड़ के जाता था, थक जाता था। तो बैठे बैठे एक दिन सोचने लगा कि मैं भूख प्यास से तो मर जाऊंगा, मेरे पास कोई खाने का चीज नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे नहीं। ऐसे सोच सोच के बेचारा एक दिन बहुत परेशान हो गया। उसके बाद सोचने के बाद फिर मन में सोचने लगा, कह रहा था कि मैं अपने पूंछ को क्यों ना एक पेड़ के रूप में दर्शा दूँ। अच्छा। ताकि पेड़ को फिर तो इसका मतलब यह है कि आपके जो हस्बैंड थे वो आपके लिए एक प्रेरणा बने कि आप उनको सीखे। तो आप यहीं की हैं, पाटनगढ़ की हैं? अच्छा। और आप भोपाल में जाकर रह रही थी कि हस्बैंड भोपाल में रहते थे? वो रहते थे, मैं गांव पे सास ससुर के साथ रहती। अच्छा, आप गांव में रहते थे। तो फिर आपने, दीपिका जी आपकी बेटी, तो आपने उन्हें बचपन से ही फिर सिखाया कि वो आपको देख देख के कि हाँ भाई चलो तुम भी करो, ये एक हमारी पारंपरिक कला है तो तुम्हें आनी चाहिए। जी, बेटी के तो सिखाना इतना नहीं पड़ा, वह देख देख के उसके मन लग गई। 10वीं पढ़ती थी तभी से शुरू कर दी थी पेंटिंग करना, और साथ में उसको मैं दिल्ली भी लेके गई, गुजरात भी लेके गई, और हैदराबाद भी गई है साथ में, सब जगह मेरे साथ। अच्छा, तो उनके अंदर फिर ये आपको देख देख कर ही आया कि हाँ चलिए। हाँ, पेंटिंग भी कर रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी, अपने कॉलेज में भी हिस्सा ले रही थी वो। हाँ, पेंटिंग। हाँ, का तो कॉलेज। दिल्ली गुजरात जो आप जाते हैं वो सरकारी जो आपके एग्जीबिशंस होते हैं उसमें जाते हैं या कैसे आप वहाँ पे? भोपाल ट्राइफेड ऑफिस है अपनी। हाँ जी। तो वहीं से मदद मिलती है, वो लेटर पहुँचा देते हैं, आने जाने का TAD देते हैं, रहने खाने का प्लस। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए आपको ये पेंटिंग से इसको आप कैसे अपनी आजीविका का कैसे आप इसको साधन बना पा रहे हैं? आजीविका का साधन दीदी इसको, मतलब जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं दूर दूर, तो वहाँ से हमको बहुत कुछ लाभ हो जाती है, मिल जाती है, तो उसी से अपना जीवन। लोग मिलते हैं पेंटिंग्स खरीदने वाले और ऐसे होते हैं? जब से लॉकडाउन लगे है तब से बहुत लॉस हो गई, नहीं तो हम लोग घर में रहते नहीं थे, हर हफ्ता महीना 15 दिन 20 दिन बाद बाहर अक्सर चले जाते। अच्छा, तो आप यहाँ गांव के लोगों को भी सिखाते हैं पेंटिंग्स? आप शायद सहकारी समिति से एज अ टीचर भी जुड़े हुए हैं, तो आप सिखाते हैं यहाँ पे सबको पेंटिंग? सिखाते हैं दीदी, और वहीं भोपाल ट्राइफेड ऑफिस से भी मेरे को 3 महीने के लिए सिखाने के लिए टीचर चुने गए थे। हाँ हाँ। तो वहाँ से भी मैं अपने यही गाँव में सिखाई। आपने सिखाते हैं, तो एक तरीके से आप अपनी इस कला को दूसरों को भी दे रहे हैं। वही कला जो आपने प्रेरणा लेकर के सीखी, आपने खुद कोई इसमें वो नहीं करा। ये बहुत ही एक अद्भुत और अच्छी बात है कि यहाँ के जितने भी कलाकार हैं वो एक दूसरे को सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई किसी से ये नहीं कहता कि हमारी पेंटिंग ज़्यादा बेहतर या तुम्हारी, सब एक दूसरे को इस कला को, इस विलुप्त होती हुई कला को सिखा रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद पाटनगढ़ में ही होती है ये पेंटिंग, है ना जी? उम्मीद लोग भी मेरे यहाँ ट्रेनिंग करके सीखे थे, भोपाल में रह रहे हैं। हाँ। रीता भाई, जयंती लोग, ये सब बहुत से लड़कियाँ थी, लड़के भी थे। ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे घर के बुज़ुर्गों से जुड़ी हुई है। बुज़ुर्ग जो हमारे घर के कहीं चल नहीं पाते, कभी वो मजबूर हो जाते हैं, वो कहीं आ जा नहीं सकते, तो वो भी कुछ ऐसे ही कोशिश करते हैं कि काश हमारे घर के सभी लोग हमारे पास ही आके रह ले। तो वो एक बड़ी सी पेड़ की छांव होते हैं, एक पेड़ होता है जिसकी छांव में जाकर हम बच्चे
पलते बढ़ते और अपने आप को रखते हैं, और हमें खुश देख करके हमारे चेहरे पहल से वो बुज़ुर्गों के चेहरे में हंसी आती है। ये एक आपने जीवन को दर्शाया है। ये सिर्फ़ इस चिड़िया के जीवन के कहानी नहीं है, मुझे लगता है ये हर उस बुज़ुर्ग की कहानी है जो अकेला रह जाता है एक उम्र के पड़ाव में आकर। बहुत सुंदर। आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? आप पाँचवीं तक पढ़ी लिखी हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि चंद्रकली जी पाँचवीं तक हैं, दीपिका जी ने बीए किया है और वो उनकी बेटी हैं। दिस इज़ समथिंग रियली, ये मुझे अभी पता चला, और एक बहुत डिफरेंट सी फीलिंग आई है कि वो पाँचवीं तक है, उनकी बेटी बीए तक है, पर सोच कहीं किसी की कम नहीं है। सोच देखिए, हर एक पेंटिंग आपके जीवन की ही कहानी कह रही है। जो हम जीते हैं वो ये पेंटिंग्स में दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इन कलाकारों को इनका सही स्थान, इनकी सही पहचान दिला सके। इसी पहचान और इसी स्थान को दिलाने के लिए प्रधान संस्था और डिस्ट्रिक्ट, इसी पहचान को दिलाने के लिए प्रधान संस्था और डिस्ट्रिक्ट डिंडोरी के जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उनकी पहल से gondarts.com बनी, जिसमें हम इन सभी पेंटिंग्स को, इन सभी कलाकारों के बारे में और आपको बताते जाएंगे, वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना जीवन यापन कैसे किया, उनकी हर पेंटिंग के पीछे की कहानी क्या है। आप उस वेबसाइट पे आ सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उनके बारे में और जान सकते हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं।